अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ की हर खबर के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। वजीर आजम इमरान खान का रूसी चैनल को तफसीली इंटरव्यू, कहते हैं अमरीका, रूस और चीन मिलकर मसला कश्मीर हल करा सकते हैं। अफगानिस्तान में अमरीका की नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, जो इंतहाई नाइंसाफी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तोसी। अदालत का ख्वाजा बरादरान को 17 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर ख्वाजा साद रफीक ने पैरागोन स्कैंडल के इल्जाम मुस्तरद कर दिए, बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। कहा, मेरे खिलाफ केस नहीं बनता, नैब ने आज तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने साद रफीक की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिया। और मुनफरिद अंदाज अदाकारी लाजवाब, मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार लहरी को मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। सफीरुल्ला सदीकी और लहरी ने 220 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, 11 निगार अवार्ड भी हासिल किए। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।